Hey learners, welcome back to my channel. आज का वीडियो होने वाला है ऑर्गेनाइजिंग पे. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप ओबी या तो फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पेपर के हिसाब से देखो तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा वहां पे आपको मिल ही जाएगा. अगर एक साल पूछ दिया तो अगले साल नहीं पूछेगा, अगले साल पूछा तो उसके बाद नहीं पूछेगा. मतलब अल्टरनेट करके आप देखोगे ये क्वेश्चन आपको देगा ही देगा. ओके, उम्मीद है कि मैं आपको इसका सबसे इजी आंसर दे सकूं ताकि आपको फिर से रटने की जरूरत ना पड़े. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि जब कभी भी मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए. तो बिना किसी रुकावट के अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक. आज का टॉपिक आपका हो गया ऑर्गेनाइजिंग. कोई एस लिखते हैं, कोई जेड लिखते हैं, तो आप दोनों लिख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी कंपनी होती है, मान लीजिए कंपनी ए, सबसे पहले वो प्लान करती है कि भाई हमें करना क्या है. प्लान करती है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत होने वाली है, कि क्या हम लोग अचीव करेंगे, कितने उसमें खर्चे होंगे, आखिर उससे हमें रिटर्न कितना मिलेगा, कितना लॉस होगा, कितना वेस्टेज हो सकता है. तो सारी चीज़ों को यहाँ पे ये लोग फॉरकास्ट करते हैं. ओके, यहाँ पे प्लान करते हैं. ये अभी फ़िलहाल आइडिया है. ओके, ये अभी आइडिया है, ये अभी फ़िलहाल आप कह लो कि मे बी वो लोग सारे के सारे जो रफ है वो किसी प्रोजेक्ट फाइल्स में या तो फिर किसी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में वो लोग रखे हुए हैं. आइडिया है. ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, आइडिया. अब इस आइडिया को जब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो वो हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग. ओके, आप जेड भी लिख सकते हो या एस भी लिख सकते हो, जो भी मन आपका है आप लिख सकते हो. ओके, ऑर्गेनाइजिंग. आप कह लो कि प्लानिंग के बाद जो सेकेंड फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग. इसमें कोई भी कंपनी होती है वो सबसे पहले रिसोर्स, ठीक है, आपके रिसोर्स हो गए, मैन हो गए, ठीक है, मैन या आप कह लो एम्प्लॉय हो गए, फिर यहाँ पे मशीन्स हो गई, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी होंगे या जो बाकी के खर्चे होंगे तो उसके लिए आपका मनी इसमें वो लोग अलॉट करवाते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद आपका प्रोडक्शन स्टार्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन बिगिंस करता है, बिगिन. तो यहाँ पे ये चीज को करने के लिए हमें इन सारे चीजों को पूरी तरह से अलॉट करवाया जाता है, ठीक है, सॉरी आपको ऑर्गेनाइजिंग में ये सारी चीज़ें जो है अलॉट की जाती हैं. अब इसमें सिर्फ यही चीज़ नहीं आ गया, ठीक है, इसमें आपका आ गया डिपार्टमेंट भी. उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद से यहाँ पे सब डिपार्टमेंट भी डिवाइड करते हैं. अगर मान लीजिए कि कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट उनका उसके ऊपर काम कर रही है तो उसके लिए सब डिपार्टमेंट हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारी इसके अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, पर इसको हम लोग बाद में देखेंगे. पहले मेन आपका स्ट्रक्चर यही समझो कि पहले आपको क्या हो जाता है, पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है रिसोर्सेज. रिसोर्स हो गया मैन हो गया मशीन हो गया मनी हो गया. अब क्योंकि कोई भी अगर आप टास्क ले लो या कोई भी आप ऑब्जेक्टिव लो या कोई भी काम स्टार्ट करो, ठीक है, अगर आपको होमवर्क ही करना है, ठीक है, तो पहले आप पेन पेपर और मे बी बुक आप साथ में रखते हो, उसके बाद जाके अपना काम करते हो. तो यही बात है ऑर्गेनाइजिंग में. आप लोग रिसोर्स जिनसे करवाना है, किस चीज़ पे करवाना, मशीन्स, और अगर उसमें एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं तो उसके लिए मनी एक्स्ट्रा से वो लोग अरेंज करते हैं. तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अरेंज करना और सेट करना हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. ओके, तो ये था आपका आसान से शब्दों में ऑर्गेनाइजिंग है क्या. ठीक है, कोई भी काम है जिसको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सोच लिया, अब उसको रूप देने की बारी आई. रूप देने की बारी आई मतलब मशीन्स को सेट कर दिए, मशीन्स पे काम कौन कहाँ पे बैठेगा, कितना काम करेगा वो सेट कर दिए,
टास्क अलॉट करना, किसको कौन सा काम करना है वो करना, ठीक है, उनकी क्या सैलरी होगी, अगर काम करते करते कोई प्रॉब्लम्स आ गए, कोई एक्सीडेंट हो गया तो फर्स्ट एड वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, उनको अवेलेबल करवाना और सीक्वेंस में लाना, इसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के बाद देखेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ओके, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप देख लीजिए कि अगर ये जो टॉपिक है आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो अपने डेली लाइफ से उसको जोड़ के देख लीजिए। जिस समय आप अपनी डेली लाइफ से उसको जोड़िएगा तो आधा से ज्यादा आपका जो क्वेरी है वो उसी समय सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला अपने डेली लाइफ से इसको रिलेट कर लो, आपको भूख लगी है, ठीक है, आपने सोचा कि भाई आज बनाना क्या है, ओके, अब उसको बनाना है तो उसके लिए मान लीजिए आपको मैगी बनानी है, तो मैगी नूडल्स आपको लाने होंगे, उसके लिए आपको जो भी वेजिटेबल्स है काटने हैं वो आपको काटना पड़ेगा, मसाले आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका काम होगा और अंत में आपका रिजल्ट मिलेगा। यही हो गया ऑर्गेनाइजिंग। तो हमने समझ लिया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, अब देखते हैं इसके प्रोसेस, ओके, प्रोसेस। तो सबसे पहला हो जाता है हमारा, सबसे पहला हमारा हो जाएगा इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ओके, आइडेंटिफिकेशन एंड एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ओके, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो जाता है, सेकेंड पॉइंट आपका हो गया डिपार्टमेंटेज, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ओके, डिपार्टमेंटलाइजेशन। फिर आपका थर्ड पॉइंट हो जाता है, थर्ड आपका हो गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फिर यहां पे आपका फोर्थ पॉइंट हो जाता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ओके। तो चलिए देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को। तो ओके सॉरी ओके तो यहां पे आपका पहला पॉइंट हो जाता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो काम है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, आखिर कौन से काम है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो कि काम बहुत तरीके के होते हैं, कोई अकाउंटेंट का काम करता है, कोई एचआर का काम करता है, कोई मार्केटिंग टीम का काम करता है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का काम करता है, तो बहुत सारे काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। कोई मशीन्स पे काम करता है तो कोई चपरासी है जिनको मशीन्स पे नहीं काम करने हैं, कोई उनसे भी नीचे है गार्ड है, सॉरी नीचे ऊपर कुछ नहीं होता बट फिर भी गार्ड है, फिर आपके प्यून है, फिर उसके बाद आपके बहुत सारे स्टाफ हो गए हेल्पिंग स्टाफ जिनको कहते हैं, उसके बाद आपके हो गए एम्प्लॉयर, आपके जो टास्क असाइन करते हैं एम्प्लॉय जो उनके टास्क को फॉलो करते हैं और उस हिसाब से अपना काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी एक आ जाते हैं जो हेड होते हैं, अब एचआर हो गए, सीईओ हो गए, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। तो ये सारे लोग का अलग अलग काम है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग काम डिसाइड करते हैं, ठीक है, काम को हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं और उस हिसाब से हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं कि किनको एचआर का काम करना है, किनको मार्केटिंग का काम करना है, किनको रिसर्च का काम करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, किनको आप कह लो कि फाइनेंस का काम करना है या अकाउंट्स का काम करना है, ओके, ठीक है।
तो इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग सबका काम डिसाइड करते कि भाई इनको ये काम करना है, किसी को मशीन्स पे काम करनी है। अब मशीन्स में भी बहुत तरीके की मशीन्स हो गए, किसी को अगर मान लीजिए किसी को रिसोर्स है, ठीक है, अब आप एक कपड़े ही का ले लो फैक्ट्री, तो एक आदमी जो होता है वो कपड़ा रंगता है, एक आदमी होता है कपड़े को सुखाता है, एक आदमी है जो कपड़े को कलेक्ट करके वापस से मशीन्स पे लाता है, उस पर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद कपड़े की अच्छे तरीके से शाइन किए जाते हैं। तो बहुत सारी डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, सॉरी बहुत सारा काम है, तो उस हिसाब से लोगों को असाइन किया जाता है टास्क। तो ये आपका पहला हो गया कि आखिर करना क्या है और किन से करवाना है, तो आपने ये कर लिया। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन को आप ऐसे देख लो, यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी में आप मान लीजिए कि यहाँ पे सीईओ हो गए, ठीक है, फिर सीईओ के बाद आपका एचआर हो गया, ठीक है, ठीक है, या तो फिर अगर और भी आप ये करो, ठीक है, सीईओ के बाद एचआर आपका हो जा रहा है, फिर उसके बाद आपका एम्प्लॉयर हो जा रहा है, फिर उसके बाद आपका एम्प्लॉई हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। पर अगर डिपार्टमेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपके फाइनेंस के डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट हो गए, यहाँ पे मार्केटिंग के डिपार्टमेंट हो गए, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है, आप यहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट आप कह लो, ठीक है, यहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट हो गए, फिर यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट हो गए, तो बहुत सारी अपने अपने डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट तय करते हो, अगर और भी डिपार्टमेंट्स हैं तो उसके हिसाब से अपना होता जाता है। और अब यहाँ पे आ गया आपका ये पूरी तरह से डिपार्टमेंटेशन। अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा एक प्रोडक्ट वो नहीं लॉन्च करी, ठीक है, उससे ज़्यादा पे समझो कि कुर्सी भी बना रही है, टेबल भी बना रही है, पंखे भी बना रही है, तो उन सबका अलग अलग इसमें सब डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कुर्सी का डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पे आपका मान लीजिए टेबल का हो गया, यहाँ पे आपका फैन का हो गया, तो इस हिसाब से इसके अंदर होता जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब तो मैंने देख लिया, हमने देख लिया कि डिपार्टमेंट अपना सेट कर दिए कि भाई ये बंदा आएगा, इस डिपार्टमेंट में बैठेगा, इस डिपार्टमेंट में उसको ये टास्क मिलेगा और वही उसको करना है, ओके। यहाँ पे आ गया असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जब लोग बैठ गए, ठीक है, लोग अपने चेयर पे अपने चेयर पे बैठ गए, ठीक है, यहाँ पे, तो अब उनका यहाँ पे टास्क होता है, मिलता है। अब सारे जो लोग हैं यहाँ पे, उन सारे लोगों को यहाँ पे, जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर आया, चाहे सब डिपार्टमेंट के अंदर आया, तो अब इन सारे लोगों को यहाँ पे टास्क मिलेगा कि भाई आपका ये काम करना है, आपको ये चीज़ बाय द एंड ऑफ द डे आपको कंप्लीट करके देनी है, ओके। तो यहाँ पे आपका ड्यूटीज मिल गया। अब हो गया एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब काम मिल गया, ठीक है, क्या काम है, कहाँ पे करना है, कि क्या काम करना है, और ये आप बता दिए लोगों को। अब आ गया कि भाई वो काम चल रहा है कि नहीं, वो काम हो रहा है कि नहीं, उस काम में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको रिपोर्ट करना है, वो काम फिनिश हो गया तब रिपोर्ट करना है, तो ये एक रिलेशनशिप इसमें एस्टैब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग करते हो, ओके, चाहे रिपोर्टिंग आपका कंप्लीट हुआ टास्क के बारे में हो या तो फिर इनकम्प्लीट हो, ओके, तो कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये हो गया, अगर कोई क्वेरीज आ रही है, ठीक है, क्वेरीज आ रही है तो वो आप कर सकते हो, कोई इसमें अपडेट देना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, अगर उसमें कोई नए अगर कुछ भी उससे रिलेटेड, ठीक है, आपके टास्क को कंप्लीट होने से पहले या होने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन हो जो एक एम्प्लॉय अपने सुपीरियर को, अपने एम्प्लॉयर को देना चाहता है, तो वो आपका इसमें होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंपल से चार स्टेप्स, चार प्रोसेस, आइडेंटिफाई करना कि काम क्या है, डिपार्टमेंट सेट करना, फिर उन डिपार्टमेंट को काम देना, फिर वो काम चल रहा है उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं क्या नहीं, तो वो एक एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट किया जाता है, एक रिपोर्टिंग किया जाता है अपने सुपीरियर को। तो यही हो गया आपका पूरी तरह से ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस।
तो आई होप कि आपको ये जो प्रोसेस है वो इजी वे में समझ में आ गया होगा। अब इसको आप दो लाइन में लिखो, चार लाइन में लिखो, एक पेज में लिखो, जो आपको लिखना है उसमें आप लिख सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस एग्जाम्पल बना दो, अगर आपके पास थोड़ी सी लाइन्स हैं कोई दिक्कत नहीं, कंपनी ए बना दो, कंपनी बी बना दो, उससे और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स क्रिएट कर लो। जितना आप एग्जाम्पल लिखोगे उतने आपके जो आंसर्स होंगे वो लंबे होते जाएंगे। और जब कभी भी आप बीबीए का एग्जाम दो तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा देखा जाता है आपका माइंड कितना चल रहा है, ओके, आप कितना ज़्यादा उस बात पे डिबेट कर सकते हो, उस बात पे उससे रिलेटेड कितना आंसर दे सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो यही था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, उसके प्रोसेसेस क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।